दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं UPAPU के लिए साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी और जूलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तोटले यानी अरस्तु को। अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज गिवन बाय। जो मेडिकल से ग्रेजुएट होते हैं, जो ये शपथ लेते हैं, वह शपथ किसने मतलब किसके द्वारा वह शपथ दी गई थी? तो ये ओथ दी गई थी हिपोक्रेट्स के द्वारा। तो हिपोक्रेट्स के द्वारा यह शपथ दी गई थी। सो ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज गिवन बाय हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच बी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट। तो यह ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जैसे स्टडी ऑफ फ्लावर है, स्टडी ऑफ सीड है, स्टडी ऑफ सोयल है और स्टडी ऑफ फ्रूट है। तो आपसे एपीओ में एक क्वेश्चन इससे स्टडी से रिलेटेड आ सकता है। तो स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। जो फ्लावर का अध्ययन करते हैं तो इसे एंथोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ सीड को स्पर्मोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ सोयल को पेडालॉजी कहते हैं। ये बिल्कुल राइट है। और स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी कहते हैं। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड को स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सोयल को पेडालॉजी, और स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं दोस्तों एक्वाटिक प्लांट। जो पानी में रहते हैं, जो प्लांट पानी वाले प्लांट होते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि नेम द एक्वाटिक प्लांट। तो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जैसे आपका वाटर लिली है, आपका लोटस है, मतलब जो पानी में जो होते हैं प्लांट, उन्हें कहते हैं एक्वाटिक प्लांट। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले रहता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और नेक्स्ट स्पीशीज। तो ये फैमिली आपको पता होना चाहिए, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। तो पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम से आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैन का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, नीम का, तुलसी का, टाइगर का, पीकॉक का और मैंगो का। तो इंपॉर्टेंट हैं जो साइंटिफिक नेम वे ही पूछे जाते हैं, आल आपको नहीं पढ़ना है। जो न्यूज़ में मतलब जो जनरल टर्म है साइंटिफिक नेम वो ही पूछे जाते हैं। जैसे मैन का तो आपको पता ही है होमोसेपियन है, नीम का एजा डिराजा इंडिका है, और तुलसी का है आपका, तुलसी को होली बेसल भी कहते हैं। एक तो ये एक है ओसिमम टेनुई फ्लोरम। तो ओसिमम टेनू फ्लोरम इसका तुलसी का है साइंटिफिक नेम। और एक और है टाइगर का क्या है? पेंथेरा टिग्रेस है जो आपका टाइगर का नेम है। इसके अलावा पीकॉक का क्या है? पीकॉक का मतलब होता है आपका मोर। तो मोर जिसे मयूर भी कहते हैं, तो इसका है पाबोक्रिस्टेटस। तो पाबोक्रिस्टेटस किसका है? तो पीकॉक का है। एक बार फिर से देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध क्वेश्चन आता है। तो मैन और नीम, तुलसी, टाइगर, पीकॉक और मैंगो, ये सब आपको पढ़ना है। तो मैंगो का है मैनगीफेरा। तो मैनगीफेरा है जो आपका मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है। तो मैन का होमोसेपियन है, और आपका नीम का है एजा डिराजा इंडिका, तुलसी का है ओसिमम टेनू फोलोरम, टाइगर का है पेंथेरा टिग्रेस, पीकॉक का है पाबोक्रिस्टेटस और मैंगो का है मैनगीफेरा। तो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है एपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया बाय। यानी जो वायरस है और बैक्टीरिया की खोज किसने की? वायरस बैक्टीरिया से क्वेश्चन आपके एपीओ में आ सकते हैं। तो वायरस की खोज की थी एवानोस्की ने, और जो बैक्टीरिया की खोज की थी लियोन हॉक ने की थी। तो वायरस की खोज किसने की? एवानोवेस्की ने की, और बैक्टीरिया की खोज की लियोन हॉक ने की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन है? तो कोकी, COCCI, कोकी है जो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट किस चीज़ का इम्पोर्टेंट सोर्स है? तो ईस्ट सोर्स है विटामिन बी का। विटामिन बी की कमी से वेरी होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, उन वायरस को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो उन वायरस को क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरियोफेजेस। सो व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस, ये क्वेश्चन आपसे एपीयू में आ सकता है। सो वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच केसेस टीबी।
तो कौन सा बैक्टीरिया है जो टीवी यानी ट्यूबरक्लोसिस करता है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये टीवी के लिए जिम्मेदार है यह बैक्टीरिया। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि टीवी का उन्मूलन का जो लक्ष्य है भारत में कब तक है, तो भारत में जो टीवी इरेडिकेट का टारगेट गवर्नमेंट द्वारा वो है 2025। तो ये आपसे आ सकता है, जो टारगेट वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं किसानों की, दुगनी करने का टारगेट आपका कब है और हर घर नल से जल पहुंचाने का टारगेट कब तक है, तो इस टाइप वाले पूछे जाते हैं। या $5 ट्रिलियन GDP का टारगेट कब तक है, ये इन टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच केसेस फूड पॉइजनिंग, कौन सा बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करता है, तो वो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है जो ये आपका बैक्टीरिया है विच केसेस फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग के लिए यह बैक्टीरिया जिम्मेदार है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट है व्हाट इज मशरूम, मशरूम क्या है, तो मशरूम फंगस है, आपको पता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मशरूम क्या है, मशरूम फंगस है। नेक्स्ट है द डिसीज हाइड्रोफोबिया इज केस्ड बाय, हाइड्रोफोबिया एक डिसीज है, या हाइड्रो का मतलब पानी होता है और फोबिया का मतलब डर या भय होता है, तो पानी से डर एक बीमारी है, तो एक डिसीज है, ये किसके कारण होती है, तो ये वायरस के कारण होती है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है वाटर ऑफ होली गंगा इज प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो गंगा नदी है इसका जो वाटर है वो प्योर है किसके कारण, तो इसमें बैक्टीरियोफेजेस है, बैक्टीरियोफेजेस के कारण। नेक्स्ट है HIV वायरस डिस्ट्रॉय, HIV वायरस क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एड्स से क्वेश्चन आते हैं आपके, एड्स का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म और एड्स डे कब मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो HIV वायरस क्या डिस्ट्रॉय करता है, तो T4 लाइनफोसाइट्स है जो HIV वायरस डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल केस्ड बाय, जो जानवर हैं उनमें फूट और माउथ डिसीज होती है, तो ये किसके कारण होती है, तो ये वायरस के कारण होती है जानवरों में फूट एंड माउथ डिसीज, तो मुंह में और उनके जो पैर में डिसीज होती है, बीमारी होती है, ये वायरस के कारण उनमें बीमारी पाई जाती है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स इज केस्ड बाय, तो एंथ्रेक्स किस कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण, एंथ्रेक्स इज केस्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट है H1N1 इज रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, H1N1 किससे रिलेटेड है, ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। अब आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, आपसे बर्ड फ्लू पूछा जा सकता है, आपसे इबोला पूछा जा सकता है, आपसे एड्स या HIV पूछा जा सकता है, डेंगू किससे होता है ये पूछ सकते हैं, मलेरिया पूछ सकते हैं, COVID-19 से क्वेश्चन आ सकता है, SARS से आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे RS, तो ये सब आपको प्रिपेयर रहिए कि जो H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला और मंकी पॉक्स वगैरह, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। नेक्स्ट है रेड कलर ऑफ रेड सी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो रेड सी है, लाल सागर है, उसका जो रेड कलर है वो किस कारण है, तो एल्गी के कारण है। रेड सी से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि रेड सी कहाँ पर है, तो आपको मैप में ये रेड सी देखना पड़ेगा, तो ये है रेड सी, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है रेड सी, और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, ये सब इसकी बॉर्डरिंग कंट्री हैं, तो रेड सी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है मैप में। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप एंड रवि क्रॉप नेम, कौन कौन से खरीफ क्रॉप हैं, कौन कौन से रवि क्रॉप हैं, आपको पता होना चाहिए। तो खरीफ क्रॉप में है जैसे आपका सोयाबीन है, आपका मक्का है, आपका पैडी है, ये सब आपके खरीफ क्रॉप में है। खरीफ क्रॉप जनरली आपके जून के आसपास बोए जाते हैं, जून जुलाई और अक्टूबर के आसपास काट लिए जाते हैं, सितंबर अक्टूबर, तो ये खरीफ क्रॉप होते हैं। और रवि क्रॉप वो होते हैं जैसे बीट है, मस्टर्ड है, लेंटल यानी मसूर है, और ग्राम यानी चना है, तो जो चना है, मसूर है, आपके गेहूं हैं, सरसों हैं, ये सब आपके होते हैं रवि क्रॉप। रवि क्रॉप जनरली अक्टूबर के आसपास बोए जाते हैं, अक्टूबर और नवंबर और आपके मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं, ये होते हैं रवि क्रॉप। क्वेश्चन आपसे इस टाइप से आ सकते हैं, APO में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, पैडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बीट, मस्टर्ड, लेंटल और ग्राम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, उत्पादक राज्य, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है क्विनाइन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, क्विनाइन और कुनैन इसे कहते हैं, तो यह किससे होता है, तो सिनकोना या सिनकोना से क्विनाइन ऑब्टेंड होता है। तो बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की जो छाल है, इज यूज्ड एज अ मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। और क्लोरोक्विनाइन है आर्टिफिशियल मेडिसिन सब्सटीट्यूट फॉर सिनकोना, तो आर्टिफिशियल मेडिसिन क्लोरोक्विनाइन भी इससे रिलेटेड है, ये आपकी आर्टिफिशियल मेडिसिन है, ये भी यूज होती है मलेरिया में।
नेक्स्ट है केसर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, केसर यहाँ पर सेफ्रॉन लिख लीजिए आप, केसर ये हिंदी वर्ड है, सेफ्रॉन को ही हिंदी में दोस्तों केसर कहते हैं, तो केसर या सेफ्रॉन इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टेगमा ऑफ क्रोकस, तो स्टाइल एंड स्टेगमा ऑफ क्रोकस से आपकी जो केसर है वो उत्पन्न होती है। देखिए जो केसर है ये भारत में कहाँ पर पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर भारत में केसर होती है। वो देश पूछें तो एक देश है ईरान, ईरान में केसर सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में, शायद आप परसेंटेज देख लीजिए तो काफ़ी परसेंटेज मात्रा में ईरान में केसर होती है। तो भारत में आपके जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है और विश्व में ईरान में। नेक्स्ट है क्लोव एजा, क्लोव क्या है, क्लोव जो लॉन्ग है क्या है, ड्राई फ्लावर बर्ड है क्लोव, और क्लोव इज ऑब्टेंड फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप APU में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोव एजा, क्लोव है ड्राई फ्लावर बर्ड है, क्लोव इज ऑब्टेंड फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू इज क्लेसिफाइड एज, बैम्बू इज क्लेसिफाइड बांस, बांस के बांस किस में आता है, तो एक ग्रास है, एक प्रकार की घास है, बैम्बू इज क्लासिफाइड एज ग्रास। नेक्स्ट है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग बिलोंग टू, जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे वो किस देश से बिलोंग करते थे, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा तो इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का पितामह विश्व में कहा जाता है, तो ये अमेरिका से संबंधित थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, हरित क्रांति से यह संबंधित थे, और आपको पता ही है MS स्वामीनाथन इंडिया में रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, और आपको पता वर्गीज कुरियन के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बायोफ्यूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सीड ऑफ, बायोफ्यूल है जो कहाँ से ऑब्टेंड होता है, ये होता है जेट्रोफा से ऑब्टेंड होता है बायोफ्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IR20 इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ, जो IR20 है ये किसकी वेराइटी है, ये राइस की यानी चावल की सबसे हाई यील्डिंग वेराइटी है। नेक्स्ट है कैरेट रेडस एंड बीटरूट आर, तो कैरेट है आपकी रेडस है और बीटरूट है, बीटरूट का मतलब होता है दोस्तों चुकंदर, और कैरेट आपको पता ही है गाजर है, रेडस है मूली वगैरह, ये सब क्या हैं, तो ये सब आपको पता है रूट हैं, रूट का मतलब होता है जड़, तो ये सब जड़ हैं। नेक्स्ट है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, यानी किसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों ATP को, ATP का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ATP को, सेल की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो ATP को, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को स्टोर हाउस ऑफ ATP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पायरेशन इज आ, रेस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस है, रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्वेश्चन आते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस से और इंडोथर्मिक प्रोसेस से। नेक्स्ट है क्रॉप एंड रिलेटेड डिसीज, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके APU में आने की संभावना है इस बार कि आपसे क्रॉप दे देंगे कौन सी डिसीज किस क्रॉप से रिलेटेड है, जैसे पेडी में ब्लास्ट डिसीज पाई जाती है और बीट में रस्ट, और मस्टर्ड यानी सरसों में आपकी डाउनी मिल्ड्यू एक डिसीज है, और सुगरकेन में रेड रॉट होता है, तो पेडी में क्या होता है ब्लास्ट होता है, और बीट में रस्ट डिसीज पाई जाती है, मस्टर्ड यानी सरसों में डाउनी मिल्ड्यू है, और सुगरकेन में रेड रॉट है। नाउ नेक्स्ट है डिसीज स्लीपिंग सिकनेस इज फाउंड बाय, जो एक बीमारी होती है डिसीज और स्लीपिंग सिकनेस इसे कहते हैं, यानी काफ़ी नींद आती है इस बीमारी में, तो ये किसके कारण होती है, तो एक सीसी मक्खी होती है, इसके कारण एक स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, तो इसमें काफ़ी नींद आती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ आर्म फाउंड इन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के कितने आर्म होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में दोस्तों 8 आर्म होते हैं ऑक्टोपस में। नेक्स्ट है पॉइजन इन स्कॉर्पियन इज फाउंड इन, जो स्कॉर्पियन है उसमें जो पॉइजन है जहर कहाँ पर होता है, तो ये होता है टेल्सन में TELSON टेल्सन में, स्कॉर्पियन में जो पॉइजन पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम एसिड इन आंट स्टिंग, जो आंट के स्टिंग में कौन सी एसिड रिलीज होती है, तो वो होती है फॉर्मिक एसिड। देखिए क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखे थे आपके लैक्टिक एसिड से और टेट्रिक एसिड से और मैलिक एसिड से, ये एसिड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक क्लियर करना होगा कि लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाई जाती है, मैलिक एसिड और टेट्रिक एसिड, जैसे अंगूर में कौन सी एसिड है, आपके एप्पल में कौन सी एसिड है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है फिश फ्रॉग शार्क एंड बाल लिजार्ड आर, तो फिश और फ्रॉग शार्क और शार्क मछली है और बाल लिजार्ड यानी छिपकली, तो ये क्या है, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यानी जो शीत ब्लडेड एनिमल हैं, यानी आपके जो शीत इनका वो जो ब्लड है यानी खून है इनका शीत पाया जाता है, यानी कोल्ड इनका जो इनका ब्लड है वो कोल्ड है, ठीक है। तो फिश का कौन सा
वो है ब्लड, तो क्वेश्चन आ सकता है तो कोल्ड है, इसके अलावा फ्रॉग है, सार्क है, लिजार्ड है, तो इन सब, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, सो नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ स्किन डिपेंड ऑन, जो स्किन का कलर है वो किस पर डिपेंड होता है, तो ये होता है मेलानिन पर डिपेंड, MELANIN दोस्तों, मेलानिन पर जो स्किन का कलर है वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय EEG वी कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ, तो EEG के थ्रू हम कौन सी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हम करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व। ब्रेन से आप दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, ब्रेन से इसके ब्रेन है जो आपका, जो इसका आपका वेट पूछा जाता है, आपका ब्रेन से रिलेटेड आपके जो पार्ट वगैरह पूछे जाते हैं, ये आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेंटर फॉर हंगर थर्स्ट एंड स्लीप, तो कौन सा जो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का वो आपका हंगर थर्स्ट और स्लीप यानी सोने के लिए जिम्मेदार है, तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन में पार्ट हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका रिलेटेड है हाइपोथैलेमस, जो आपका रिलेटेड है हंगर से, थर्स्ट से और स्लीप से। तो देखिए सेरिब्रम है आपका, और सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लोगेंटा है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूसेस एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, तो जो अपना जो स्टोमक है एक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो डाइजेशन फूड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी एसिड जो रिलीज करता है स्टोमक, तो वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है HCl है, HCl को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो ये डाइजेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंजाइम्स फाउंड इन ह्यूमन सालिवा, जो कौन से इंजाइम्स हैं ह्यूमन सालिवा में पाए जाते हैं, तो टाइलेन एक इंजाइम है, ये आपका ह्यूमन सालिवा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की खोज की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की खोज की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और एक होता है यूनिवर्सल डोनर, तो डोनर ओ है, ओ एक ऐसा है, ये यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की और कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हड्डी है जो अपनी बॉडी में कहाँ पर है, तो जॉ में है। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ फीमर, ये हमने पिछली वीडियो में देखी थी, पूछा जाता है हड्डी से रिलेटेड कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है, कौन सी सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है, तो जा स्टेप्स ऑफ फीमर इन क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एलिमेंट फाउंड ऑन बोन एंड टीथ है, जो एलिमेंट जो पाए जाते हैं तत्व बोन और टीथ यानी आपकी हड्डी में और दांतों में, तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डी में और दांतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साइंस की आपकी 2 से 3 वीडियो और हो सकती हैं तो APU के लिए। नेक्स्ट है पेप्सिन एजा, पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है दोस्तों, पेप्सिन, व्हाट इज पेप्सिन, पेप्सिन एजा एंजाइम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है, तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस, तो जो आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का उसे डायलिसिस कहते हैं, राइट है। दूसरा है ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये बिल्कुल राइट है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और तीसरा है ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी आप ए बी एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, बिल्कुल राइट है, ए बी ब्लड ग्रुप आप मतलब आप सभी से ब्लड ले सकते हैं, और ओ है यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को डोनेट कर सकते हैं, ओ एक यूनिवर्सल डोनर है, तो ऑल द स्टेटमेंट दोस्तों आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज यूज टू ट्रीट इन डाइजेशन, डाइजेशन के लिए मतलब क्या यूज करते हैं ट्रीट, तो एंटासिड, और एंटासिड आप जानते ही होंगे, एंटासिड के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो विच इज यूज टू ट्रीट इन डाइजेशन, तो एंटासिड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनामिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एनामिया होता है ये आयरन की कमी के कारण होता है, आयरन का जो प्रतीक है Fe है और इसका एटमिक नंबर होता है एक, वो है 26, तो आपको पता होना चाहिए स्कर्वी किसके कारण होता है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरीबेरी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वॉलोइंग एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग तो कौन सा ये पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो रेगुलेट करता है स्वॉलोइंग और वोमिटिंग को, तो वो है मेडुला ओवेनगाटा, तो मेडुला ओवेनगाटा है ये आपका ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है आपका दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट है विच इज नाउन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन, तो मास्टर ग्लैंड इन मैन कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड या आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहें तो पिट्यूटरी ग्लैंड है या आपका मास्टर ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ब्रेन, ये ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, एक बात और आपको याद रखनी है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपका सीक्रेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईस्ट्रोजन प्रोग्रेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन आर, तो ईस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन क्या है, तो ईस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एपीयू एग्जाम में। ईस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल, तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, जो पत्तियां होती हैं इनका कलर हरा ही क्यों होता है, यह कारण है इसका दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो पत्तियां हैं इनका कलर हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो जो डीएनए का मॉडल दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, जो वैज्ञानिक थे, और डी ऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, तो डीएनए का फुल फॉर्म, डीडीटी का फुल फॉर्म, इस टाइप से फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो डीएनए का जो मॉडल दिया था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन, क्रैब साइकिल है, क्रैब चक्र है, ये कहाँ पर प्लेस होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है दोस्तों, ये एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ WBC अप्रॉक्सीमेटली, तो व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो इनकी जो लाइफ स्पैन क्या है, तो 48 घंटे है आपकी व्हाइट ब्लड की, WBC की 48 आवर है अप्रॉक्सीमेटली है दोस्तों, यह तो 2 दिन मान सकते हैं, और 120 दिन मानी जाती है आपकी RBC की, तो WBC और RBC तो पूछा जाता है, तो WBC 48 आवर्स है, और आपकी RBC की है जो आपका लाइफ स्पैन है RBC का वो 120 दिन है। नेक्स्ट क्राउन ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ, जो क्राउन है टीथ का वो किसका बनता है, तो यह मेड अप ऑफ है इनेमल, ENAMEL इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, तो कैरोटीन विटामिन से रिलेटेड है, पेप्सिन एंजाइम है, और प्रोगेस्टेरोन है आपका हार्मोन है, और केराटिन है ये भी आपका एक प्रोटीन है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, विटामिन कैरोटीन है और कैरोटीन विटामिन है, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है, और केराटिन प्रोटीन है। नेक्स्ट है स्कर्वी, यहाँ पर एक मिस्टेक है टाइप में, तो आप इसको चेक कर लीजिए, स्कर्वी इज केस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो स्कर्वी बीमारी होती है किस कारण होती है, तो स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है रोग। नेक्स्ट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो बरेली में है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिशन इंद्रधनुष, न्यूज में भी है अभी, और मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, तो टीकाकरण से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का और प्रेग्नेंट वुमेन का इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है विच विटामिन ऑब्टेंड फ्रॉम सनरेज, सनरेज में कौन सा विटामिन मिलता है धूप की किरणों में, तो विटामिन डी आपको पता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए और बेरी बेरी विटामिन बी, स्कर्वी विटामिन सी और रिकेट्स विटामिन डी। नेक्स्ट है विच डिसीज इज केस्ड बाय निकल, निकल के कारण कौन सी डिसीज होती है, तो डर्मेटाइटिस है जो आपकी ये होती है निकल से। नेक्स्ट है साइड्रोसिस इज अ डिसीज केस्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, तो साइड्रोसिस एक डिसीज है, ये किस कारण होती है, तो सिलिका डस्ट से आपकी एक डिसीज होती है, आप
साइडरोसिस एक बीमारी है, ये आपके सिलिका डस्ट अगर आप इनहेल करते हैं तो इससे आप आपको यह बीमारी हो सकती है। किस कारण? सिलिका डस्ट के कारण आपको साइडरोसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट, कॉमनली नाउन एज व्हाइट प्लेग, किसे व्हाइट प्लेग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस टीबी को, जिसे भारत सरकार ने 2025 तक इरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमने देखा था, तो कॉमनली नाउन एज व्हाइट प्लेग, इसे किसे व्हाइट प्लेग कहते हैं? तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं। नेक्स्ट है थायमिन रिलेटेड टू विटामिन बी वन, राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू, पायरोडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स और साइनोकोबालमिन विटामिन बी ट्वेल्व। तो आपको पता होना चाहिए थायमिन विटामिन बी वन, राइबोफ्लेविन बी टू, पायरोडॉक्सिन बी सिक्स और साइनोकोबालमिन बी ट्वेल्व। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन मिक्सचर ऑफ थ्री वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन मिक्सचर ऑफ थ्री वैक्सीन इज यूज टू इम्यूनाइज अगेंस्ट थ्री मेडिकल डिसीजेस। तो कौन कौन सी डीपीटी? तो डिपीथेरिया, पर्टूसिस और टेटनस। आपको पता होना चाहिए तीन वैक्सीन इज यूज टू इम्यूनाइज अगेंस्ट थ्री मेडिकल डिसीज। कौन कौन सी मेडिकल डिसीजेस पर डीपीटी लागू होता है? तो एक डिपीथेरिया है आपका, और आपका पर्टूसिस है और टेटनस है। नेक्स्ट है मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन केसेस डायबिटीज, तो कौन सा मेल फंक्शन होता है ऑर्गन का? तो डायबिटीज हो सकता है, तो पेनक्रियास है, इसका मेल फंक्शन से आपका डायबिटीज बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की खोज किसने की थी? देखी थी एडवर्ड जेनर ने, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेंसिलिन देखा था। चूज द करेक्ट बताना है इसमें, तो किसको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है आपको मेंडल को, और यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन है। और नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल आर नेम्ड एक्स वाई, तो ये बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट है फादर इज रिस्पॉन्सिबल इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, तो इट इज़ क्वाइट ट्रू। सो फर्स्ट है देख लेते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, राइट है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन है, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल आर एक्स वाई, ये बिल्कुल राइट है। और चौथा है फादर इज रिस्पॉन्सिबल इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, तो ये बिल्कुल राइट है। सो दोस्तों ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उससे पहले दोस्तों क्वेश्चन से आप एक पॉइंट और याद रख लीजिए, जेनेटिक्स डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स मेंडल, इसे मेंडल इसके पिता को कहा जाता है, जेनेटिक्स फादर, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल, ठीक है। तो जेनेटिक्स डील करता है, जो जेनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम? हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन। हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन को जो स्टडी करते हैं उसे ही जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं। नेक्स्ट है एक कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है? तो रेड और ग्रीन, तो रेड कलर और ग्रीन कलर, लाल और हरी कलर में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन इज ओरिजिनेटेड इन, जो मानव है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो दोस्तों अफ्रीका से मानव उद्भव हुआ। अफ्रीका एक महाद्वीप है और ये विश्व का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं यानी आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन आता है आपको मैप में, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं, साइंस में नहीं। आपको यूपीएपीयू में, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आना है तो अफ्रीका से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका है और ये महाद्वीप है अफ्रीका पूरा, ये यहाँ पर मेडागास्कर है, ये आपका ए यहाँ पर ए है इंडियन ओशियन यानी आपका हिंद महासागर, इस साइड है आपका अटलांटिक ओशियन। देखिए अफ्रीका के इस साइड है यहाँ पर मेडागास्कर, इस अफ्रीका के इस साइड है आपका ये इंडियन ओशियन और इस साइड है आपका अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर है आपका मेडिटेरेनियन सी यानी आपका भूमध्य सागर, और अफ्रीका से तीनों रेखाएँ कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। और ये आप देख रहे हैं ये अभी ये इक्वेटर है यानी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो कौन सी है जो थ्योरी है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड? वो है ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ओपेरन हेल्डन यहाँ पर लिखा है रशियन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, तो ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड मानी गई है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी। नेक्स्ट है टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट गिवन बाय, इकोलॉजी टर्म को किसने सबसे पहले दिया? ये दिया था RETER राइटर ने, सबसे पहले इकोलॉजी टर्म दिया था। इकोलॉजी में क्या हम स्टडी कहते हैं? इंटर रिलेशनशिप स्टडी कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म का और देयर एनवायरनमेंट का। तो ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट की जो हम स्टडी करते हैं, इंटर रिलेशनशिप की जो स्टडी करते हैं, अंतर संबंध की उनकी, उसे ही इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टांसले, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? तो ये पूछ सकते हैं, तो ये टांसले ने दिया। और आपके एबायोटिक और बायोटिक आर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इनसे क्वेश्चन अब बनता है कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन है और बायोटिक कंपोनेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज है इसका अदर नेम क्या है? तो इसका नाम है वेस्टर्न घाट। इंडिया में दो घाट हैं, एक ईस्टर्न घाट और एक वेस्टर्न घाट।
ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। जियोग्राफी में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में शायद ही ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, तो कौन सा इकोसिस्टम लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो ये सी यानी समुद्र। और अगर ऑप्शन में आपको ओशियन आए तो सी नहीं आएगा ऑप्शन में, तो आपका ओशियन ही आंसर रहेगा। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड सी है, सी इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी आता है, देखो लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी है सी और मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम भी सी यानी समुद्र है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स आर, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं अभी देखा था। हाइड्रोफाइट्स होते हैं दोस्तों एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक जलीय जीव, सॉरी जलीय जीव नहीं प्लांट, यानी जलीय जो प्लांट होते हैं पौधे होते हैं ये होते हैं आपके हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स को ही एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, जैसे वाटर लिली है, लोटस है, ये सब आपके एक्वाटिक प्लांट हैं। नेक्स्ट है इको मार्क इज गिवन टू प्रोडक्ट, जो इको मार्क है किस लिए दिया जाता है, किस प्रोडक्ट को, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी जो पर्यावरण से पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं जो आपके, उनके लिए इको मार्क एक प्रोडक्ट इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क किन के लिए, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए यह दिया जाता है। नेक्स्ट रिलेटेड है कौन से स्टेट से कौन सी जो प्रमुख फसल रिलेटेड है, जैसे आपके ग्राउंडनट है ये गुजरात से, और आपका टी है सबसे पहले टी है, तो टी यानी चाय असम से रिलेटेड है, और शुगर केन गन्ना आपका यूपी से रिलेटेड है। ग्राउंडनट जी से ग्राउंडनट और जी से गुजरात ग्राउंडनट, मूंगफली आपके गुजरात से रिलेटेड है, एप्पल आपका सेव है जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो टी असम से, शुगर केन यूपी, ग्राउंडनट गुजरात, एप्पल हिमाचल प्रदेश, और सोयाबीन आपका एमपी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट, तो इसमें पहला है प्लास्टिक, मरकरी एंड डीडीटी आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो प्लास्टिक है, मरकरी है और डीडीटी है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं। और दूसरा है लीड एयर पॉल्यूटेंट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, जो लीड एयर पॉल्यूटेंट है ये आपका नर्वस सिस्टम और ऑफ मैन पर अटैक करता है। तीसरा है वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, जो रिवर में वाटर पॉल्यूशन होता है ये मेजर्ड करते हैं कितनी उसमें ऑक्सीजन मतलब घुलनशील है, कितनी ऑक्सीजन उसमें है वाटर में, उससे पता लग जाता है कि वाटर पॉल्यूशन कितना है रिवर में। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, इसका यूज किसमें किसका यूज होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, इसका यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूल में। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट है, इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन है, आयोडीन इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में, गोइटर एक डिसीज है और शायद इसे हिंदी में शायद घेंगा कहते हैं, जो भी आप देखिए इसको क्या कहते हैं। और आइसोटोप ऑफ रेडियम है, इसे ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर, रेडियम को सेकेंडरी कैंसर में यूज करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल में यूज करते हैं, कोबाल्ट को कैंसर में, सी से कोबाल्ट सी से कैंसर, आयोडीन को गोइटर रोग में यूज करते हैं, और रेडियम को ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, बिल्कुल राइट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, यह आपके अमेरिका में है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ये बिल्कुल राइट है, ये उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है एम स्ट्राइप्स इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही है, एम स्ट्राइप्स इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट है जायंट पांडा इज द लोगो ऑफ WWF इंडिया, तो WWFN, तो जो जायंट पांडा है ये लोगो है, देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा WWF का ये लोगो है। एक बार फिर से देख लेते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, एम स्ट्राइप्स आप एक टर्म है ये आपका टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है, और जायंट पांडा ये आपका WWF का लोगो है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड डाटा बुक, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है रेड डाटा बुक के लिए, तो IUCN है। नेक्स्ट है द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइंड बाय, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है किसने दिया, तो कार्ल इरिके ने दिया, कार्ल ERIKY, कार्ल इरिके ने टर्म बायोटेक्नोलॉजी दिया। नेक्स्ट है मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स आर गॉट थ्रू, मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स आर गॉट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पूतनिक, सिनोफार्मा, सिनोवैक, वाटारेट, तो जैसे ये कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पूतनिक है, सिनोफार्मा है, सिनोवैक है, ये क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है ये किस देश से हैं, तो ये सब हैं रिलेटेड टू COVID-19 वैक्सीन। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा स्पूतनिक किस देश की वैक्सीन है, सिनोवैक किस देश की वैक्सीन है, सिनोफार्मा किस देश की वैक्सीन है, कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग किसने की या कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग किसने की,
दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि साइंस से रिलेटेड और वीडियो और UPAPU से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साइंस से रिलेटेड आपकी 2 या 3 वीडियो और हो सकती हैं। नेक्स्ट है रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसार कन्वेंशन है वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसार एक जगह है, ये है आपके ईरान में, तो आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये भारत है, भारत के यहाँ पर इस साइड है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी और यहाँ पर है भारत, फिर यहाँ पाकिस्तान और फिर यहाँ पर ईरान। अब ईरान में है आपका जो एक रामसार एक जगह है तो वो यहाँ पर है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसलिए बता दिया है कि ईरान यहाँ पर है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे आने की इस बार संभावना काफ़ी है। नेक्स्ट मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसकी यूनिट है, मैक्सवेल यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, एम सी मैक्सवेल और एम सी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी टॉर्क एंड फोर्स आर, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड रहता है, मैग्नीट्यूड का शायद हिंदी मतलब होता है परिमाण, हाँ परिमाण, और आपका जो जो एक तो देखो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड के साथ उनके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो वेलोसिटी है, जैसे आपका वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग, तो वेलोसिटी है, टॉर्क है, फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए कौन कौन सी कौन क्वांटिटी है, टेम्परेचर है जैसे स्केलर क्वांटिटी है, मास है, एनर्जी है, डिस्टेंस है, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे टेम्परेचर को किस में मापते हैं, एक दो क्वेश्चन ये भी बनते हैं, तो टेम्परेचर को सेल्सियस में, मास किलोग्राम, एनर्जी जूल में, डिस्टेंस मीटर में, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटी में बी से वेक्टर, बी से वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण है, और मोमेंटम है, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। दो क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है विच इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम, सो रॉकेट, रॉकेट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम। नेक्स्ट रॉकेट से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो उसका जो रॉकेट था वो कौन सा था। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एस, तो न्यूटन के जो पहले जो न्यूटन का पहला लॉ था उसे क्या कहते हैं, तो उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।